पावलोग्राद पर रूस ने दागी हैं ताबड़तोड़ मिसाइलें। बड़ी खबर, रूस का बड़ा अटैक यूक्रेन पर। पावलोग्राद पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं रूस ने। मिसाइल अटैक में यूक्रेन का बड़ा सैन्य बेस तबाह हो गया है। नीपर नदी के पास बना था यूक्रेन का यह सैन्य बेस, रूस ने हमला कर यूक्रेनी सेना के रेलवे जंक्शन को भी तबाह कर दिया है। ये तस्वीर देखिए, ये कल का धमाका है। कल रात में जिस तरह से ये धमाका हुआ पावलोग्राद में, आप इससे अंदाजा लगाइए कि कैसे यहां पर एक बड़ा अटैक यूक्रेन पर रूस ने किया है। पावलोग्राद डोनबास से ज्यादा दूर नहीं है और वहां पर किस तरह से अटैक किया है रूस ने, ये देखिए। एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, रूस ने पावलोग्राद में रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। रूसी हमले में 25 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं, 25 से ज्यादा नागरिक पावलोग्राद में घायल हुए हैं। 19 हाई राइज बिल्डिंग्स, 25 मकानों को नुकसान पहुंचा है। रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूल डिपो, इन सब को निशाना बनाया गया है। ये पावलोग्राद की तस्वीरें आप देखिए। पावलोग्राद से एक और तस्वीर आई है, वो भी दिखाते हैं आपको। पावलोग्राद पर बड़ा अटैक कर दिया है और यह जानना पड़ेगा अपने एक्सपर्ट से, व्हाई पावलोग्राद, ऐसा क्या है वहां पर। लेकिन पहले यह खबर देखिए, पावलोग्राद पर हमले के बाद डराने वाला मंजर दिखा है। हमले के बाद पूरा आसमान लाल लाल दिखा है। पावलोग्राद में यूक्रेन को बड़े नुकसान की आशंका है। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं पावलोग्राद जिस तरह से अंडर अटैक आया, जिस तरह से वहां पर रूस ने बारूद बरसाया, क्या जानकारी वहां से आ रही है। इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको दिखाते हैं और फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। देखिए पावलोग्राद हमले का वीडियो यह है आपके सामने, कैसे पूरा आसमान वहां पर लाल हो गया जब यह हमला हुआ। यूक्रेनी सेना काउंटर अटैक के लिए यहां पर तैयारी कर रही थी, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहां बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा किया गया था। यूक्रेनी फोर्स की कॉम्बैट यूनिट को यहां पर खास ट्रेनिंग दी जा रही है। रूसी फोर्स ने काउंटर अटैक से पहले यूक्रेनी सेना पर हमला किया। रूस ने हथियारों के गोदाम, रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूल डिपो, इन सब को टारगेट किया और इसलिए पावलोग्राद में कहीं ना कहीं यह देखने को मिला है। जल्दी से चलते हैं जनरल सिन्हा के पास। जनरल सिन्हा, पावलोग्राद, क्या यहां पर रूस की कोई स्ट्रैटेजी, जो मैंने कहा था कि मैं अभी आऊंगा तो आपसे पूछूंगा, यह अटैक यूं ही किए जा रहे हैं या इनके पीछे कोई आपको स्ट्रैटेजी दिख रही है रूस की? बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी गौरव जो आप बता रहे हैं और जैसे मनीष बता रहे थे, देखिए इसको समझने, लीमन का इलाका देखते हैं तो ईस्ट में पड़ता है, पावलोग्राद और कामाटोरा सेंटर में है, इसलिए बाखमुत इंपॉर्टेंट है। जो पावलोग्राद है उसकी पोजीशन मैं बताऊं, 75 किलोमीटर निप्रो जो उनका जो कैपिटल है वहां से यह पड़ता है और ये निप्रो नदी के पूर्व में है, ये पश्चिम में नहीं है, आपको निप्रो क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा मिलिट्री बेस, दो बड़े मिलिट्री बेस है, कामाटोरा और जो ये पावलोग्राद का है। पावलोग्राद के दोनों लाइन और 16 इंस्टॉलेशन जहां पर S-13, अभी 16 इंस्टॉलेशन में तो 16 तो गए S-13 पूरे के पूरे, इसलिए आप TU-95 को देखते हैं यहाँ बॉम्बर के लिए जा रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह उसको खत्म कर दिया। यहाँ तो वो लेके नहीं आ सकते ना, जहां से अमेरिका के पास एयर डिफेंस सिस्टम आ रही है। तो जो मेन थ्रस्ट, मेरे अनुसार भी यही मेन थ्रस्ट लाइन है, क्योंकि नॉर्थ में है और फिर हम ज़ापोरिज्या का दिखा देते हैं या खेरसन बोलते हैं, तो सेंट्रल लाइन को वो हिट कर रहा है। और सेंट्रल लाइन ये थ्रस्ट होती है, इसको हम फॉर्म बेस कहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है और रूस यहाँ पर यूक्रेन को कहीं ना कहीं, रूस यूक्रेन के जो एम्युनिशन है उनको नष्ट कर रहा है और उसको कहीं ना कहीं क्रिपल कर रहा है, अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो यूक्रेनियन ऑफेंसिव का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हाँ। उसको तोड़ रहा है। ओके। इसके आप लीमन में यदि जाता है तो लीमन उसके ईस्ट में पड़ता है और हम ज़ापोरिज्या में आएंगे तो साउथ में पड़ेगा। ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अटैक किया है रूस ने, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं।